5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश का दौर जारी है। 3 दिसंबर को जनता का फैसला ईवीएम से बाहर आएगा, लेकिन उससे पहले आ गया है एबीपी सी वोटर का फाइनल सर्वे। इस सर्वे के नतीजे उम्मीदों से थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। एबीपी सी वोटर सर्वे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाती दिख रही है। इस ओपिनियन पोल पर कांग्रेस खेमे में खुशी हो सकती है, वहीं बीजेपी की हाथ मायूसी लग सकती है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। सरकार विरोधी लहर के बीच बीजेपी को झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99 से 111 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस 118 से 130 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। राज्य में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 110 से ज्यादा सीटों पर जीतने का अनुमान है। यहां बीजेपी को 114 से 124, कांग्रेस को 67 से 77, अन्य को 5 से 13 सीट मिलने का अनुमान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 41% लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं बीजेपी की वसुंधरा राजे दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 25% लोग सीएम के रूप में देखना पसंद करते हैं। सचिन पायलट को 11% लोग सीएम बनते देखना चाहते हैं। एबीपी सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में काका भूपेश बघेल दूसरी पारी के लिए तैयार हैं, मतलब फिर से सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। यहां कुल 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 45 से 51 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 36 में से 42 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें। सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार तेलंगाना में बीआरएस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। राज्य में कुल 119 सीटों में से बीआरएस को 49 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार मिजोरम में एमएनएफ के बहुमत मिलने का अनुमान है। कुल 40 सीटों में से एमएनएफ को 17 से 21 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। We'll be right back.